खास रिपोर्ट में हम आपसे बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी और ऋतिक रोशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऋतिक रोशन आज 46 साल के हो गए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। बहुत ही कम लोग जानते हैं ये बात कि एक फिल्म में ऋतिक रोशन श्रीदेवी के बच्चे के रूप में नजर आ चुके हैं, जिसकी तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। साल 1980 में ऋतिक को पहली बार अपने दादा जय ओम प्रकाश की फिल्म आशा में डांस करते हुए देखा गया। इस फिल्म में लीड एक्टर जितेंद्र थे। इसके बाद उन्हें बड़ा रोल साल 1986 की फिल्म भगवान दादा में मिला। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत और श्रीदेवी के बच्चे के रूप में ऋतिक रोशन नजर आए थे। जी हाँ, आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि श्रीदेवी ऋतिक रोशन की मां फिल्मी पर्दे पर बन चुकी हैं। बताया जाता है कि इस फिल्म में रजनीकांत और श्रीदेवी ने जिस बच्चे को गोद लिया था, वो बच्चे दरअसल ऋतिक रोशन थे। इस फिल्म में उन्होंने अपनी शानदार डांस के स्किल्स दिखाए। बहुत कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ स्क्रीन ऋतिक रोशन ने शेयर कर ली थी। ऋतिक बहुत छोटे थे जब श्रीदेवी के बच्चे के रूप में उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखा गया, लेकिन श्रीदेवी के साथ उनकी बॉन्डिंग यहीं से शुरू हो गई थी। श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन 33 साल पुराना उनका और ऋतिक रोशन का ये किस्सा आज हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताया। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।